किसान साथियों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जैनी टेक फार्मिंग। और आज हम बात करेंगे सरसों को उपचारित करने वाली दवा के बारे में। तो इस बार काफी किसान साथी घर का बीज उपचारित करके उसको बिजाई कर रहे हैं, तो वो भी अच्छा है। और उसमें भी हम दवा डाल के उपचारित करते हैं घर में भी, तो उस दवा के बारे में बात करेंगे। लगभग किसान साथी तो अपने हिसाब से दवा डालते हैं, लेकिन जो मैं दवा डालता हूँ उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये PCT 410, ये पेंटेड दवा है। और ये लगभग 610 रुपये की 100 ml आती है। और ये एक पैकिंग के अंदर, 1 kg की पैकिंग के अंदर 2 ml डलती है। उसके साथ उपचारित किया जाता है। सीड प्रोटेक्ट लिखा हुआ है इस पे, ग्रो। और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। पौधा जब निकलता है ज़मीन से, एक तो जल्दी निकलता है और फंगस वगैरह की कोई समस्या नहीं आती, पौधा अच्छा निकलता है। और दूसरी मैं दवा का उपयोग करता हूँ, बायोफिट की स्टीमरी चाहिए। ये समुद्री शैवाल होते हैं जो किसान साथियों, उसका अर्क है। और ये 1695 रुपये की 1 लीटर आती है। ये दवा समुद्री शैवाल की अर्क, ये जो इफको में भी आता है, अलग अलग कंपनी में भी मिलता है, आपको इससे सस्ता भी मिल जाएगा। लेकिन इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला। इससे एक तो जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी चली जाती है, और जो पौधा निकलता है ज़मीन से वो जल्दी निकलता है और काफ़ी अच्छा निकलता है, जलता नहीं है, खराब नहीं होता निकलते वक्त। तो आप भी उपयोग करके देख सकते हैं इनका। और मैं अभी टाटा की MJ1 की बिजाई करूंगा किसान साथियों। आज 26 अक्टूबर है। और आप भी बताएं आप कौन सी दवा डालते हैं सरसों के अंदर बिजाई करने के लिए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए मेरा YouTube चैनल जानी टेक फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।